छात्रों का पुतला फूंका। बता दें कि पदाधिकारियों का कहना है कि वामपंथी छात्र संगठनों ने लाठी डंडों से हमला कर कई छात्रों को घायल कर दिया और इतना ही नहीं, किए गए हमले में वर्तमान सचिव मनीष का हाथ भी टूट गया है। साथ ही उनका कहना है कि जेएनयू में वामपंथी छात्रों ने पढ़ाई लिखाई का माहौल खराब कर रखा है। सभी उग्र छात्रों ने प्रशासन से हिंसा में लिप्त लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। कल उस चीज की अति हो गई जब कुछ छात्र अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए छात्रों को प्रताड़ित किया गया। उसमें अभाविक कार्यकर्ताओं ने जब ये कहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप छात्रों को रजिस्ट्रेशन कराने से क्यों रोक रहे हैं, तो उनके साथ भी मारपीट की गई। और सरकार लगातार, और आप देख रहे होंगे खुफिया रिपोर्टें आ रही हैं, उसमें ग्रुप बना के अलग अलग ग्रुपों में इस तरीके की पूरी सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई कि किस तरीके से वहाँ के छात्रों को मारा जाए। और उसमें नकाबपोश बदमाशों को कॉलेज कैंपस के अंदर उनकी एंट्री कराई गई, जिसके द्वारा छात्रों के संग बर्बरतापूर्ण घटना की, इसमें 25 से अधिक आवेदित कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं और छात्रों के साथ बहुत गलत तरीके का व्यवहार हुआ है।